Hey guys, good morning. So, आज से हम चालू करने वाले हैं क्वार्टर फोर का जितना भी बिजनेस अपडेट्स और रिजल्ट्स का जो सीजन आने वाले हैं उन सब में वीडियोस बनाना, ठीक है? सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद सम गुड न्यूज, स्टार्टिंग विद कपल ऑफ कंपनीज इन द कंजम्पशन स्पेस जो बहुत अच्छा रिजल्ट कर ही रहा था ऑल दिस क्वार्टर्स, एंड उनका Q4 का अपडेट भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है. तो एक है आपका कल्याण ज्वेलर्स और दूसरा है आपका टाइटन कंपनी, राइट? तो ये दोनों ज्वेलरी स्पेस में है और आपने देखा होगा कॉन्ट्ररी टू अदर स्पेसेस इन द कंजम्पशन अरिना ज्वेलरी हैज डन एक्सीडिंगली वेल, राइट? सो ज्वेलरी हैज बीन प्रोबेबली द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग, आई कैन से द स्पेस दैट आउट परफॉर्म ऑल द अदर कंजम्पशन स्पेसेस, वेदर आप वो खाने पीने का बोलो या फिर कोई रिटेल अपैरल बोलो, कहीं भी आप देख लो ज्वेलरी हैज डन वेरी वेल ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है? और ये ट्रेंड अभी भी चालू है बिकॉज अभी जो Q4 का जो अपडेट्स आया है बोथ टाइटन कंपनी एंड कल्याण ज्वेलर्स हैव डन वेरी वेल. तो थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं. पहले हम कल्याण ज्वेलर्स का बात करते हैं. तो कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल से बहुत एग्रेसिवली अपने स्टोर्स को एक्सपैंड किए जा रहे हैं, ठीक है? साउथ से चालू किया था, फिर अब आप देखोगे कि वो पूरा पैन इंडिया में पूरा फैल रहा है. क्यों? बिकॉज इन्होंने अपना बिजनेस का मॉडल बदल दिया, क्योंकि पहले इनका कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स होता था, लेकिन अभी क्या किया इन्होंने कोको से फोको मॉडल में चला गया, मतलब फ्रेंचाइज ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड. मतलब यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का मतलब एक नया दुकान खोलने में फ्रेंचाइजी पूरा खर्चा उठाता है, कल्याण को सिर्फ अपना एम्प्लॉइज का खर्चा लेना पड़ता है. इससे क्या हुआ, एसेट लाइट मॉडल हो गया एंड कल्याण कैन मूव ऑन टू न्यूअर ज्योग्राफीज. तो इससे क्या, ये जो पूरी चीज है इसमें आप देखोगे इनका जो स्टोर एक्सपेंशन रेट है वो बहुत ही हाई है. मैं हमेशा एक कंजम्पशन कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन रेट देखता हूं, क्योंकि अगर आपका स्टोर एक्सपेंशन रेट इज वेरी हाई, राइट, स्पेशली इन अ B2C बिजनेस मॉडल लाइक इन ज्वेलरी, मतलब आगे आपका सेल्स का ग्रोथ भी उसी एंगल से बढ़ेगा, है ना? और हमें तो मार्केट में हाई पेस ऑफ ग्रोथ चाहिए है, राइट, टॉप लाइन या सेल्स का ग्रोथ, तभी जाके हम पैसा बनाते हैं. तो अगर हम कल्याण का थोड़ा बात करें Q4 अपडेट में, तो इनका कुछ 250 के आसपास स्टोर्स है, 250 के आसपास या 253 स्टोर्स है एट द एंड ऑफ FY24, मतलब ये जो मार्च वाला क्वार्टर खत्म हुआ 253 के आसपास स्टोर्स है. और कंपनी ने ये बताया कि इन द नेक्स्ट फिस्कल दे आर गोइंग टू ओपन अराउंड 130 स्टोर्स. अब 130 में यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का खुद का दुकान है, मतलब उसमें आई थिंक 80 स्टोर्स होगा और बाकी का जो 50-70 नंबर है वो कैंडियर करके उनका एक ब्रांड है, ठीक है? उसमें थोड़ा सा वो लाइट ज्वेलरी वगैरह वो लोग बेचते हैं, तो उसका भी कुछ अराउंड 50-60 स्टोर्स होगा. तो सोचिए अगर आपका 250 स्टोर्स है, राइट, एट द एंड ऑफ FY24, ठीक है, और आप बता रहे हो कि FY25 के बाद आप 250 और 130 ऐड करोगे, तो FY25 के बाद कल्याण विल मोटा मोटी हैव 380-400 स्टोर्स. इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है ना कि इफेक्टिवली ये स्टोर काउंट को ऑलमोस्ट डबल करने का कोशिश कर रहे हैं. शायद 12 महीने में स्टोर काउंट डबल नहीं होगा, लेकिन आप पकड़ लो मतलब 250 से इनटू 2 अगर आप करोगे तो 500 स्टोर्स आई थिंक FY26 तक तो हो जाने चाहिए कंसीडरिंग द पेस एट विच दे आर ग्रोइंग. तो यहां पे आपका जो स्टोर एक्सपेंशन रेट है दैट इज नॉर्थ ऑफ 30-50% के आसपास CAGR. तो मैं यहां पे वही बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? सो और अगर आप कल्याण का Q4 का अपडेट भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा किया है. मतलब इनका अगर आप सेल्स देखोगे द ओवरऑल सेल्स नंबर Q4 over Q4, right, that went up 36% YOY. Sales का ही number का बात कर रहा हूँ, top line का बात कर रहा हूँ. अब इनका अगर आप देखोगे दो डिविजन है, मतलब इंडिया में इनका मेन ऑपरेशन है विच इज लाइक 85-86% ऑफ टोटल सेल्स इंडिया से आता है, और दूसरा है उनका मिडिल ईस्ट और UAE में उनका एक पोर्टफोलियो है, मतलब वहां भी इनका कल्याण का दुकानें हैं. तो इंडिया वाला पोर्टफोलियो इज डूइंग वेरी वेल. तो जो 86% कॉन्ट्रीब्यूटर है ऑफ टोटल सेल्स, द इंडिया का पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट 38-40% YOY, है ना? और ये अच्छी बात है बिकॉज मेजोरिटी पार्ट का अगर पेस ऑफ ग्रोथ हाई है तो ओवरऑल पेस ऑफ ग्रोथ भी हाई होता है, जैसे 36% का जो डेटा मैंने बताया. UAE विच 14-15% ऑफ द टोटल सेल्स जो कंट्रीब्यूट करता है, आप देखोगे वहां पे उतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी भी वहां पे वो लोग दे आर लाइक फीलिंग द मार्केट वहां पे धीरे धीरे करके, क्योंकि वो कंपनी ओन स्टोर्स खोल रहे हैं, धीरे धीरे करके उनको वो फ्रेंचाइजी में मतलब उसको शिफ्ट करवा रहे, ठीक है? क्योंकि दे आर स्टिल फीलिंग द मार्केट, दे आर वे मोर कॉन्फिडेंट ग्रोइंग इन इंडिया देन इन द मिडिल ईस्ट, बट दे आर वेरी बुलिश इन मिडिल ईस्ट एज वेल. सो द मिडिल ईस्ट का जो मार्केट है दैट इज ग्रोइंग ओनली 12-15% के आसपास. सो अगर आप सोचिए मिडिल ईस्ट का मार्केट अगर आगे जाके इंडिया का जो मार्केट की तरह पेस ऑफ ग्रोथ हो गया 35-40%, तो ओवरऑल का जो पेस ऑफ ग्रोथ बिजनेस का और भी बढ़ सकता है ना? तो कल्याण का तो सब कुछ सही है, बिजनेस अपडेट बहुत ही अच्छा आया हुआ है. अब देखते हैं इनका जब मेन रिजल्ट आएंगे पूरे इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा और कॉन कॉल सुनना पड़ेगा. सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट एंड गिव इट टू यू.
अब हम बात करते हैं टाइटन कंपनी का। तो टाइटन कंपनी ने अपने सेल्स को 17% से ग्रो किया, 17, ठीक है। अब ऑफकोर्स आपको पता ही के लिए कल्याण से टाइटन एक बिगर बेस वाला कंपनी है, तो ऑफकोर्स टाइटन कैन नॉट ग्रो एट द पेस एट विच कल्याण इज ग्रोइंग, ठीक है। बट यहाँ पे बात यहाँ आता है कि टाइटन का भी अगर आप बिजनेस में थोड़ा सा अगर ब्रेकडाउन देखोगे, सो 89% ऑफ सेल्स आता है ज्वेलरी बिजनेस से, और बाकी का जो डिविजन है वो है आपका वॉचेज एंड आईवेयर का डिविजन, वॉचेज आईवेयर, फिर उनका तो अभी वो परफ्यूम वगैरह एक डिविजन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेन उनका जो ज्वेलरी डिविजन है दैट ग्रू 18% YOY, बट बाकी वाला सेगमेंट उतना अच्छा नहीं किया। मतलब उनका अगर वॉचेस और आईवेयर देखोगे, आई थिंक वॉचेस का सेगमेंट ओनली ग्रू 6% YOY, और आईवेयर का आई थिंक सेल्स डिग्रू YOY इन FY24 ओवर FY23। सो इसका क्या मतलब कि सिंस आपका वॉचेस और आईवेयर अच्छा नहीं कर रहा है, सो दैट इज ड्रैगिंग डाउन द पेस ऑफ ग्रोथ दैट द कंपनी इज गेटिंग इन द ज्वेलरी स्पेस। नहीं तो क्या होता है ना केले, क्योंकि अगर आपका ज्वेलरी स्पेस 18% से ग्रो किया और अगर वॉचेस और आईवेयर कुछ ढंग का करता है तो ओवरऑल टॉप लाइन कैन कुड हैव बीन अराउंड 19-20, और सिंस वॉचेस और आईवेयर कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं ढंग से, मतलब टू ग्रोथ, इसीलिए आप देखोगे इनका थोड़ा पेस ऑफ ग्रोथ भी घट गया। पेस ऑफ ग्रोथ मतलब पहले का अगर आप कुछ क्वार्टर्स या एक दो साल पहले भी देख लोगे, सो टाइटन का जो पूरा ओवरऑल सेल्स ग्रोथ होता था वो नॉर्थ ऑफ 20-22% होता था, लेकिन इस बार वो 17% से ग्रो किया। सो मैंने क्या बोला, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया, 20% ग्रो करने वाला कंपनी अभी 17% से ग्रो कर रहा है। तो क्या होता है ना कि लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत ही एक हाई पीई का एक स्टॉक खरीदते हो और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटने लगता है तो उस स्टॉक में पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टाइटन पैसा नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि लाइक 100 के पीई, कल मैंने इस पे एक ट्वीट भी लिखा था कि लाइक 100 के पीई में 120 के पीई में, मतलब 120 का पीई मतलब FY24 अर्निंग्स का अगर मैं 100 गुना दे रहा हूं या 120 गुना दे रहा हूं, राइट, तो उसके लिए अगर मुझे 15-17% का सेल्स ग्रोथ मिलता है तो दैट माइट नॉट बी अ ग्रेट बिजनेस डील फॉर मी, है ना। आई कैन हैव बेटर बिजनेस डील्स इन द मार्केट, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि टाइटन पैसा नहीं बनाएगा, राइट। सो बात यही पे आते हैं, तो टाइटन और कल्याण, अब सेंको का अभी तक अपडेट आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। सेंको का ऑफकोर्स मैनेजमेंट का अगर आप रिजल्ट देखोगे, आईपीओ का दिन के बाद से ही वो 20-25% के बीच में ग्रो करता है। लास्ट क्वार्टर Q3 ओवर Q3 में भी आई थिंक दे ग्रू 25% YOY, वो भी कल्याण के तरह, मतलब कल्याण जैसे साउथ से पूरा कंट्री में फैल रहा है, सेंको ईस्ट से चालू होकर अभी नॉर्थ में, सेंट्रल इंडिया में और वेस्ट में धीरे धीरे करके स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स सेंको का भी अपडेट आया नहीं है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेंको टू डू बेटर देन टाइटन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड ऑफकोर्स नॉट डू एज मच एज कल्याण इज डूइंग, बिकॉज आई डोंट थिंक सेंको कैन डू 35-40% का सेल्स का ग्रोथ, बट आई थिंक सेंको कैन डू बिटवीन 20-25% के आसपास। तो मेरा एस्टिमेट है अराउंड 25% का जो ये रन रेट है वो सेंको का चलता रहेगा, एंड ऑफकोर्स सेंको कैन ग्रो, सो एज लॉन्ग एज सेंको एंड कल्याण कैन डू एट अ कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन टाइटन, बोथ द स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल, ठीक है। बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेंको का अपडेट जब आएगा तो ऑफ कोर्स आई मेक अ छोटा वीडियो एंड आई विल शेयर इट विद यू। तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा आप देख रहे हो, बिकॉज टाइटन हो, कल्याण हो, सेंको हो, और अब जो भी B2B का कंपनीज का भी अपडेट्स आएगा तो वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन ज्वेलरी स्पेस इज स्टिल बूमिंग इन अ वे के लाइक इनका जो कल्याण और टाइटन का अपडेट आया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।